समाजवादियों का ये गढ़ रहा विंध्य प्रदेश। समाजवादी साइकिल लेके भेजा है और साइकिल इतना चलेगी कि सभी पार्टियां हमारे पीछे रहेंगी, आगे साइकिल रहेगी। और हर बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी का नाम लेता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार है। देखिए, नेताजी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। नेताजी ने वो काम किया देश में कि पहले हमारे सैनिकों की टोपी आया करती थी, उनकी मिट्टी आया करती थी, राख आया करती थी। आज पूरे देश में अगर कोई हमारा जवान शहीद होता है तो उसकी माँ के लिए उसकी अर्थी आती है। मेरा गला भर जाता है नेताजी के इस निर्णय पर कि देश में ऐसा कोई रक्षा मंत्री नहीं हुआ जो हमारे सैनिकों के बारे में, और नेताजी ने एक ऐसे ऐसे काम किए हैं। तुरंत उस लड़के को बुलवाया लखनऊ, लखनऊ बुलाने के बाद मुख्य सचिव को बुला के इस लड़के को उनको लाल बत्ती देना है। बीजेपी के जो प्रत्याशी आए हैं वो पंडित श्रीनिवास तिवारी के नाती थे और उनका कोई ग्राफ नहीं 6 महीने से यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ वर्चस्व, हम यहाँ 20 से 25 हजार वोटों से जीतेंगे। जिसके पास काला धन बहुत ज्यादा आता है उसको धन के ऊपर बहुत बड़ा घमंड होता है, जैसे यहाँ अन्य प्रत्याशियों को। देखिए, मेरे पिता जी एक शिक्षक थे और मैं शिक्षक का लड़का हूँ। उस जमाने के शिक्षक थे जब 45 रुपया तनख्वाह मिलती थी। मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरी भाभी लेक्चरर थी, मेरा भतीजा कर्नल है और मैं 100 वीजे का काश्तकार भी हूँ। मेरे पास खाने के लिए कोई कमी नहीं, मेरे बच्चे सब काम में लगे हैं। मैं तो सिर्फ जनता की सेवा के लिए राजनीति करता हूँ, मेरा कोई व्यवसाय नहीं है राजनीति। नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आज चारघाट में मौजूद हूँ और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी। हम इनसे चुनाव के समीकरण को लेकर और त्योंथर के समीकरण को लेकर बात करेंगे। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द खबरदार टीम में। मैं सीधे मुद्दे की बात करूं तो मेरा सीधा सा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप त्योंथर की चुनावी राजनीति का हिस्सा बने हैं, आप समाजवादी पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं, तो आप कौन सी रणनीति फॉलो करेंगे या किस रणनीति पर आप चुनाव लड़ेंगे? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, आपके सभी साथियों को, कि आज आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी त्रिनेत्र शुक्ला, जो त्योंथर 70 से उम्मीदवार बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से, इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग आए, बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, त्योंथर में यूपी से लगा हुआ है और समाजवादियों का गढ़ रहा रीवा अपना। यहाँ से प्रेमलाल मिश्रा, यमुना प्रसाद शास्त्री जैसे महान विभूतियाँ यहाँ जन्म लिया और जगदीश चंद्र जोशी थे। समाजवादियों का ये गढ़ रहा विंध्य प्रदेश। तो माननीय जी ने हमको यहाँ समाजवादी साइकिल लेके भेजा है और साइकिल इतना चलेगी कि सभी पार्टियाँ हमारे पीछे रहेंगी, आगे साइकिल रहेगी, इस तरह ये मानना हमारा है। जैसा कि आपने कहा कि आप साइकिल पर सवार होकर आए हैं और विंध्य में समाजवादी पार्टी का कह ले, आपके साइकिल निशान की बात कर ले, तो ये अभी तक प्रभावी क्यों नहीं रही, क्या कारण है? देखिए, जब तक जमीन में काम नहीं होगा तब तक कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ती। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने 2013 से जब से हम ज्वाइन किए हैं तब से हमको हमेशा मार्गदर्शन देते रहे और कहते रहे कि जमीन में काम करो। नेताजी की जीवनी पढ़ता हूँ तो नेताजी हमारे साइकिल पे कैरियर पर बैठ के अपना चुनाव प्रचार किया और प्रचार करने के बाद सबसे कम उम्र में विधायक बने। उसी तर्ज पर मैं 2013 से लगातार अनवरत समाजवादी पार्टी का काम करता रहा, लोगों से मिलता रहा, अपने पार्टी के समाजवादी विचारधारा को उनके पास पहुंचाता रहा। उसका रीजन है कि आज समाजवादी लोग सब खड़े हो गए हैं और हर बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी का नाम लेता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार होता है। जैसे आप जिन नेताजी की बात कर रहे हैं, उन नेताजी पे बड़े बड़े विवादों का भी साया रहा है। कहा जाता है कि देश को लेकर या देश हित में उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिनकी अदर पार्टियां हमेशा उलाहनाएं देती हैं। देखिए, नेताजी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। नेताजी ने वो काम किया देश में
कि पहले हमारे सैनिकों की टोपी आया करती थी, उनकी मिट्टी आया करती थी, राख आया करती थी। आज पूरे देश में अगर कोई हमारा जवान शहीद होता है तो उसकी माँ के लिए उसकी अर्थी आती है। मेरा गला भर जाता है नेताजी के इस निर्णय पर कि देश में ऐसा कोई रक्षा मंत्री नहीं हुआ जो हमारे सैनिकों के बारे में और नेताजी ने एक ऐसे ऐसे काम किए हैं। एक गरीब ब्राह्मण, गरीब पंडित उनके साथ शिक्षक थे, उनके आएगा वो गए मिलने, घटना में आपको बता रहा हूं। इस तरह के नेताजी थे कि उनके बालक को पूछा कि आपका बालक क्या कर रहा है, वो बोले कि बालक बीएससी करके मंत्री जी से घूम रहे हैं, कोई काम नहीं। और नेताजी ने कहा कल इनको भेज दीजिए और आपके गांव के स्कूल का क्या हाल है। हर गांव के लोगों को जानते थे, गांव गांव को नेताजी जानते थे। और तुरंत उस लड़के को बुलवाया लखनऊ, लखनऊ बुलाने के बाद मुख्य सचिव को बुला के बोला कि इस लड़के को हमको लाल बत्ती देना है, और तत्काल लाल बत्ती उसको देके तब उनको भेजे, बोले कर्मठता के साथ अपने मंत्रिमंडल का काम देखना। ये थे नेताजी। नेताजी के पास कोई अमीर और कोई गरीब नहीं था, जो उलाहना देते हैं लोग वो संविधान की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाना हो कड़ा से कड़ा कदम हमारे नेताजी उठाते थे। हाँ। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। हाँ। तो यहाँ अगर इतिहास देखा जाए, चुनावी इतिहास, हाँ। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही हमेशा लड़ाई रही है। हाँ। एक बार ऐसा हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी के हाँ। ने यहाँ से सत्ता हासिल की थी, खास करते उत्तर से। तो आप कांग्रेस और बीजेपी को किस हिसाब से नकारने का काम करेंगे और जनता आपको चुनाव में क्यों चुने, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी यहां जिसको प्रत्याशी बनाए हैं बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो काम करने की शैली है वो व्यक्ति पर समाज की और पार्टी के प्रोग्राम से वो कभी जीवन में नहीं चले। माननीय नेताजी रामलखन सिंह जी हर व्यक्ति का सम्मान करते थे, पर ये सम्मान करने में, हर बिरादरी का सम्मान करने में इनको परेशानी महसूस होती, इसलिए इनका वर्चस्व इस बार उतना नहीं जाएगा जैसे पहले इनका वर्चस्व था, ये इनका मत घटेगा। और बीजेपी के जो प्रत्याशी आए हैं वो पंडित श्रीनिवास तिवारी के नाती थे और उनका कोई ग्राफ नहीं, छह महीने से यहां आए हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं और हर समाज से अभी जुड़ नहीं पाए हैं। और मैं 2013 से कंटिन्यू हूं, हर समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, वो डायरेक्ट हमसे संबंध रखता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के और माननीय मुलायम सिंह जी के जो उनके कार्यप्रणाली काम करने की क्षमता थी उसको देख के उनके साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे यहाँ वर्चस्व, हम यहाँ 20 से 25 हजार वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल, मेरी अग्रिम बधाई। हाँ। एक और सवाल है, अहम सवाल कह लीजिए, जैसे राजनीति को जन सेवा का पर्याय माना जाता है, तो फिर जब ये राजनीति जन सेवा है तो इसमें खर्चे किस चीज के होते हैं? देखिए, जिसके पास काला धन बहुत ज्यादा आता है तो उसको धन के ऊपर बहुत बड़ा घमंड होता है, जैसे अन्य प्रत्याशियों को, मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं कुछ इधर उधर गलत व्यय करने का चेष्टा करूंगा, मेरे पास जन है, मेरे पास आम भाई हैं हमारे, चाहे किसी भी जात के हों, वो सब हमसे डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और डायरेक्ट उनके यहां बैठ के हमको भोजन। मैं सामंतवाद के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहा, उनकी विचारधारा के साथ मैं नहीं था कभी भी, मैं हमेशा छोटे तबके के किसी कास्ट के लोग हों उनका साथ देने के लिए हमेशा चार कदम आगे बढ़ के उनकी मदद करने की चेष्टा करता रहा। जैसे आपने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ। हर नेता जब चुनाव विधानसभा या हाँ। लोकसभा का प्रत्याशी बनता है हाँ। तो वो जनता के सामने यही कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं हाँ। लेकिन चुनाव जीतते ही हाँ। या चुनाव जीतने के बाद हाँ। उसके पास अपूर्ति संपत्ति का भंडार हो जाता हाँ। है, ये किस तरह से? देखिए, मेरे पिता जी एक शिक्षक थे और मैं शिक्षक का लड़का हूँ। उस जमाने के शिक्षक थे जब 45 रुपया तनख्वाह मिलती थी। मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरी भाभी लेक्चरर थी, मेरा भतीजा कर्नल है और मैं 100 बीघे का काश्तकार भी हूँ। मेरे पास खाने के लिए कोई कमी नहीं, मेरे बच्चे सब काम में लगे हैं। मैं तो सिर्फ जनता की सेवा के लिए राजनीति करता हूँ, मेरा कोई व्यवसाय नहीं है राजनीति। और ये वर्तमान पर बात करते हैं हाँ। अगर त्योंथर की जनता आपको चुनती है हाँ। तो आप त्योंथर के लिए क्या ऐसा करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ?
पहले तो मैं जिला बनाऊंगा, चौथर को मैं जिला घोषणा करवाने के लिए प्रयास करूंगा। दूसरा काम, जो नहर की टूटी जगह जगह नहर का वो पूरा भाजपा खा गई है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, जिससे पानी हमारे यहाँ पर्याप्त हो जाए, बिजली हमारे यहाँ पर्याप्त हो जाए। जो रोड से सटे हुए खंभे गड़वा दिए भाजपा ने, जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनका उन्मूलन होगा, वो सही तरीके से हो, बिजली हमको पर्याप्त मिले। किसान को सिर्फ बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और कृषि प्रधान हमारा, हमारी विधानसभा कृषि मामले में बहुत वो है। और रायपुर घाट, बारी घाट, ये मूल सुविधाएं यहाँ नहीं है। रायपुर को तहसील बनाए, तो उत्तर को जिला बनाए, और यहां से चित्रकूट जाने के लिए और ललितपुर जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए डायरेक्ट रूट जो हाईवे है वो इधर से बनने चाहिए, न कि हमको इलाहाबाद होकर जाए या तो हम खजुराहो छतरपुर होकर जाए। ये बीच का रास्ता जो है, इस रास्ते को ले जाके खजुराहो वाले हाईवे में जोड़े, ये हमारी मांग रही। हाँ। ये तो हमारी बात हुई। हाँ। आप अपनी तरफ से जनता को कुछ कहना चाहेंगे क्या? जनता से मैं यही अपील करेंगे कि समाजवाद का अर्थ है सबको लेके चलना, और आज सब लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, और समाजवादी साइकिल माननीय अखिलेश यादव ने जो हमको दिया है समाजवादी साइकिल, उस साइकिल को इतना चला दें कि सब विरोधी अपने आप रास्ते से किनारे हो जाए, इतनी साइकिल दौड़ जाए कि यहाँ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को संजय साहब पहला फोन जाए कि तोचर से हमारा साइकिल का प्रत्याशी प्रणीत शुक्ला को कई हजारों वोटों से लीड दिया दूसरे को। जी, आप हैं प्रणीत शुक्ला जी जो समाजवाद की अगुवाई कर रहे हैं, तोचर की जनता इनके साथ कितना न्याय करती है वो तो समय बताएगा। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, द खबरदार न्यूज के लिए, जय श्री राम।